दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लोगों को अच्छे और बेहतर यातायात की सुविधा के लिए लगातार बसों को लाने की बात करते हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज पुरानी नांगल इलाके से 3 बसों के रूट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ये वादा किया कि इसके अलावा भी आने वाले दिनों में यहाँ अन्य रूट पर बसों को चलाया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लोग जो हैं बहुत खुश हैं, अभी सब बुजुर्ग लोगों से मुलाकात हुई, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, कि मेरे ख्याल से पहली सरकार है जो लोगों की प्रॉब्लम को समझ के और फिर उस पर काम करती है ताकि किसी भी व्यक्ति को, एक आम आदमी को परेशानी ना हो। तो ये जो समस्या है यहाँ की नांगल, पुरानी नांगल की, ये विधायक जी आए थे कुछ महीने पहले एक डेलीगेशन को लेके, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला था कि इस बस को, इस गांव को बस की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसी आश्वासन जो दिया था उसको पूरा करने के लिए मैं खुद यहाँ पहुँचा हूँ और इस गांव को बढ़िया तरीके से बसों से जोड़ दिया है। ये भी वादा किया है कि और भी अगर बसों की ज़रूरत होगी तो और भी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाएंगे हम। सो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है और सोच है वो ये है कि दिल्ली को एक बहुत बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है जो कि आधुनिक भी हो और रिलायबल भी हो और सस्ता भी हो। तो यही सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सीएम साहब का जो विज़न है वो ये है कि भाई पूरी दिल्ली में, चाहे वो गांव है, शहर है, कोई गली है, कोई कस्बा है, झुग्गी झोपड़ी है, कहीं भी बसों की कमी नहीं होनी है। तो उसको पूरा करने के लिए फिर हमने 10,480 बसों का एक टारगेट रखा है, उसमें से लगभग 8,000 बसों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। 8,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2,000 बसें तो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि ये जो अभी पुरानी DTC की बसें हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में ली गई थी, ये सारी 2025 एंड तक रिटायर हो जाएंगी। हर दिन, हर महीने ये बसें रिटायर हो रही हैं, तो 2,000 बसें जो हैं वो ऑलरेडी हमारी चलती रहेंगी जो नई बसें हैं, और 6,000 इलेक्ट्रिक बसेस का वर्क ऑर्डर हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हर महीने, अभी कुछ लगभग एक महीने पहले हमने 500 बसों का फ्लैग ऑफ किया था इलेक्ट्रिक बसेस का, तो 2,000 बसों का वर्क ऑर्डर और हमें देना है, तो ये टोटल मिला के 10,000 के आसपास बसें हो जाती हैं, ताकि पूरी दिल्ली में एक बढ़िया, हम एक रिलायबल, एफिशिएंट और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी दिल्ली वासियों को हम दे सकें। सर, ये बस के थ्रू होने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। महिलाएं जो बोलती थी कि 6,000 रुपया मुझे पेमेंट मिल रहा है उसके लिए मैं काम करने जाऊं और इतने तो हमारे भाड़ा लग जाते हैं, कोई ऑटो करके जा रही है टाइम से, तो आज बस का सुविधा इस तरह से हो गया कि हर महिला बाहर निकल रही है, वो काम पर जा रही है, उनके लिए इतना बड़ा सुविधा हो गया है कि अभी उनको ये नहीं लगता कि मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं। और महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब ने इतना बड़ा काम किया है कि वो सारी महिलाएं बहुत खुश हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। बस के शुरू होने से हमें फ़ायदा, क्योंकि RL 79 का कोई टाइम नहीं था, जल्दी निकल जाते, हम भी कभी कभार लेट हो जाते थे, और अब सेकंड हमें सुविधा मिली है तो हम अच्छे से अपना टाइम पे अपना आ सकेंगे। और लोगों के जो हर घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं है, क्योंकि महंगाई का दौर है, बच्चे तो पालने ही हैं, और सीएम साहब ने और कैलाश गहलोत जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। पुरानी नांगल में बसों के इस नए रूट के शुरू होने से यहां के लोग बेहद खुश और उत्साहित हैं, खास तौर पर महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं वे बहुत खुश और उत्साहित हैं। और महिलाओं से हमने बात की, महिलाओं ने बताया कि पहले जब यहां बसें नहीं चलती थी, यहां से कोई रूट नहीं था, तो उन्हें दूर पैदल चलना पड़ता था, साथ ही उन रास्तों से होकर कई बार रात के अंधेरे में आपराधिक घटनाएं भी होती थी और कई बार हादसे भी होते थे। लेकिन अब जो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बसों की शुरुआत और सौगात मिली है, उससे उन्हें बेहद खुशी मिली है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।